बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक दोस्त ने सवाल किया और सवाल जो है वो उसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये जो चीज़ है आप तक भी पहुंचाऊं। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था और उसका जवाब जो है, मैंने बहुत सारी वीडियो सुनी है दोस्तों की, असाज़ा की, जो यहाँ पर बताते हैं। तो अभी तक मैंने वो चीज़ यहाँ पर नहीं सुनी या वो चीज़ किसी ने नहीं बताई। मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जिस तरह अपने बुज़ुर्गों से सुनी उस तरह कमा हक्का हुआ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह मेरे बुजुर्ग आज दुनिया में नहीं है तो उनकी बात मैं कर रहा हूं, आप अच्छे से सीख लें। कल को जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, आप ये बात आगे पहुंचाना। और ये बात इस तरह से है कि ये कुछ तुक्का बेस बात नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप अगर करके देखेंगे आपको खुद पता चलेगा, और आप अपनी पिछली शौक की ज़िंदगी में आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ साबित होगी कि वाकई ये बिल्कुल ठीक है। दोस्त का सवाल ये था कि परियल और मिशियल, इस दोनों की पहचान बता दें कि ये क्या होता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है, मैं ये वीडियो ईद से पहले की बनाना चाह रहा था और चाह रहा था कि मैं कोई कबूतर हाथ में पकड़ के आपको बताऊं, लेकिन मौका ना मिल सका। घर में बच्चों की गहमा गहमी रहती है, अल्लाह ताला ने रौनकें लगाई हुई हैं, तो उनकी चीहो पुकार और उनके खेल कूद में मैं नहीं कर सकता। एक ये यहाँ पर मौका मिलता है, यहाँ पर मैं कबूतर नहीं लेके आ सकता। तो मैं आपको बताता हूँ जी, सबसे पहली बात जो है, मैंने ये सोचा कि फिर इतना आसान करके बताना चाहिए कि दोस्त बगैर तस्वीर के भी समझ सकें। अच्छा जी, अब बात करते हैं जो उस दोस्त ने सवाल किया। सबसे पहली बात ये है कि ये परियल और मिशेल नहीं है, ये परेल और मसेल है जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया। मुमकिन है कि किसी को परियल और मिशेल के बारे में भी, मतलब सेम चीज़ें सेम हैं, तलफ़ुज़ जो है वो मुमकिन है, लेकिन सबसे पहली बात जो है, परेल का मतलब जिस पर ज़्यादा है, परेल पर ज़्यादा है, मसेल जिस पर मांस ज्यादा है। ठीक है, ये दो किस्म के कबूतर आपको अपने खुड्डे में नजर आएंगे और जिन पर आपने बहुत कम गौर किया होगा। अच्छा, इनकी शनाख्त बताने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोग बेशक एक, मतलब एक पेज पर इन चीज़ों को आमने सामने लिख लें कि परेल की हड्डी किस तरह है, मसेल की हड्डी किस तरह है, उनके पंजे किस तरह हैं, उनके पंजे किस तरह हैं। जहाँ पर दोनों मसेल कबूतर जोड़ा लगे होंगे, नर और मादा, उनके बच्चे भी ज़ाया होंगे, और अगर बड़ी हिम्मत वाले होंगे तो उड़ेंगे कम, घर वापस आ जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे कम। और जहाँ पर मसेल परेल दोनों लगे होंगे, वो भी बच्चे, उनमें भी ज़ाया होने की रेशो यूं ज़्यादा होगी कि वो बच्चे निकलते ही, वो इतने सुपर और इतने शेड्यूल बनेंगे कि निकलते ही आसमान को जाएंगे। और ऐसे कबूतर आपको पता है, इनका भी ज़ाया होने का बड़ा इहतमाल रहता है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊं, मैंने अपने सामने
कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने लिख लिए। जो प्रेल कबूतर है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। पहले दोस्तों, इसकी जो सीने की हड्डी है, अगर आप मतलब उसको उल्टा करके और ज़ोर से उसको यहाँ पर फूक मारें मुंह से, तो वो जब हड्डी उसकी आपको नज़र आएगी, तो उसकी दार जो है ऊपर वाली वाइट जो है वो बारीक नज़र आएगी प्रेल की। उसके कंधे जो हैं ये सीने से बाहर नज़र आएंगे, उसके कंधे सीने में छुपे नहीं होंगे। उसका जो पर है, उसका पर तलवार की मानद होगा, मुलायम होगा। उसका बगल के जो पर हैं, वो बगल के पर जब समेटेगा तो उसके ऊपर परों का छोटा सा गुच्छा बनेगा, और बड़ा वो पकड़ने में बड़ा रेशम सा होगा जो प्रेल है। अच्छा, मेरे बुजुर्गों ने ये भी बताया कि प्रेल कबूतरों के जो पाँव की तली है, ठीक है, ये पाँव की जो हथेली कह लें, या उनकी आसान जुबान में जो पाँव की तली है, उसमें गोश्त बस नाम का होगा, ठीक है, पंजे उनके बारीक होंगे। और जनाब, गर्दन की जंजीर, ये बहुत अहम पॉइंट है कि गर्दन की उनकी जंजीर जो है, जब हम यहाँ से पकड़ेंगे तो आपको बकायदा एक तो लंबी होगी, दूसरा बहुत फ्लेक्सिबल होगी, और इनका जिस्म का जो मांस है ये थोड़ा नरम होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इनके जो नाखून हैं वो भी लंबे नहीं होंगे। अब बात करते हैं मसेल की। तो मसेल की जो खसूसियात हैं, उनमें ये है कि उसकी जो हड्डी की ये सॉरी, प्रेल का मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, उसकी हड्डी जो है नीचे से उसकी हड्डी चुभेगी और उसका जिस्म वीनमा होगा नीचे से, मतलब दोनों तरफ से कश्ती की तरह आके उसकी नोक पर ख़त्म होगा, ठीक है। जबकि मसेल जो कबूतर है, उसका जिस्म नीचे से गोल होगा, हड्डी की दार जो है उसकी वो मोटी होगी, मतलब सफ़ेद दार जो नज़र आती है आपको, हड्डी नीचे से नज़र आती है वो मोटी होगी, दार उसकी मोटी होगी। और उसके बाद जनाब, उसका उसका जो सर है, उसका सर भी मोटा होगा, ठीक है। और इसमें चोंच जो है, चोंच उसकी लंबी, वैसे ये हमारे मतलब जो उन्होंने बताया वो मैंने लिख लिया अपने पास, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू नस्ल मेरे हिसाब से ये बदलता रहता है कि चोंच लंबी है या छोटी है। बहरहाल, उसकी जो सीने की हड्डी है मोटी दार वाली, कुंदा उसका मोटा होगा, ठीक है, गोश्त से भरा हुआ होगा, और पर उसका चौड़ा होगा। उसके बाद जनाब, थोड़ा सा उसका पर सहत भी होगा, बगल के पर जो हैं वो सहत, जिस्म मजबूत होगा, और जिस्म इस तरह होगा जिस तरह बॉडी बिल्डर का जिस्म, मतलब पूरा तना हुआ जिस्म होगा। ये मैंने आपको आसान तरीन करके बता दिया। और उसकी हथेली में, उसकी पाँव की तली में गोश्त भी होगा, उसके पंजे मोटे होंगे, मतलब उसके बिल्कुल बरक्स कबूतर जो है, जो प्रेल के बिल्कुल बरक्स कबूतर हैं, वो मसेल कबूतर हैं। अब बात ये है प्यारे दोस्तों, कि ये जो कबूतर हैं, प्रेल और मसेल जो कबूतर हैं, इनका आपस में जोड़ा लगना चाहिए, असूलन इनका आपस में जोड़ा लगना चाहिए, ठीक है। जब आप मसेल को मसेल से लगाएंगे, मैंने आपको बताया कि वो भी नाकाम जोड़ा है, उसमें हामियां रहेंगी। प्रेल को प्रेल से लगाएंगे, वो भी नाकाम है। एक और चीज़ जो अहम है, आपको प्रेल कबूतर बहुत कम मिलेंगे, और ये जो मेरी अब तक की ज़िंदगी का निचोड़ है, ये आपको प्रेल जो कबूतर हैं ये आपको मिलेंगे जनाब, पुराने बांके कबूतरों में से, ठीक है। और बहुत पहले जब मुझे ये बात समझाई गई थी, उस वक्त एक जोंसरी मादा थी और
बहुत ही मुलायम और बड़ी रेशम मादा थी, उसमें से समझाई गई थी ये बात जो है। तो अब जो है, अब मैं ये चीज़ नोट करता हूँ कि बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े खुड्डे होते हैं, उनमें आपको जब आप देख इस नुक्ता नज़र से देखना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत कम कबूतर नज़र आते हैं, ज़्यादा मसेल नज़र आते हैं। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट पिपरेल मिल जाए। और ये अब जिस तरह हम अंधाधुंध क्रॉस कर रहे हैं, ये क्वालिटीज़ जो हैं ये कम हो गई हैं। कोई ऐसे कबूतर भी हैं, मुनासिब कबूतर, दरमियाने कबूतर जो हैं, उनमें प्रेल और मसेल दोनों की क्वालिटीज़ हैं, और आगे जो है, आगे चलाने वाले की उसकी समझदारी है कि वो उसको किस तरह चलाता है, कि उसके बाद उसको मादा जो है वो प्रेल देता है या मसेल देता है। ठीक है, तो ये उस प्यारे दोस्त ने, इस मैंने मतलब जितनी भी वीडियोस बनाई उसमें 12-13 मिनट में बात जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती। तो इस वजह से मैं कह देता हूँ कि जनाब, इसका अगला जो पार्ट है वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है, बाज़ वजूहात की वजह से मैं नहीं बना पाता। तो बहरहाल, ये मैं आपको शनाख्त बताई है, अपने कबूतरों में ज़रूर देखिएगा। मेरे पास एक मादा थी, मैं उसको पागल कहा करता था, पागल इन अ सेंस इस तरह से कि जहाँ पर सब खा रहे होते थे, वो अलग से नुकरों से ढूंढ रही होती थी दाना, और जब उसको पकड़ते थे तो यूं रिएक्ट करती थी जिस तरह मतलब अभी मर जाएगी, और गर्दन उसकी यूं मतलब अजीबोगरीब तरीके से हिलना शुरू हो जाती थी। तो मैं एक दिन, मैंने अपने नाना जी को दिखाई, नाना जी ने वो मादा चेक की, उन्होंने कहा कि ये जिस कबूतर से लगाओगे ये बच्चे उड़ाएगी। वो हुआ यही कि वो मादा जिस कबूतर से भी लगाया, उसने माशाल्लाह बच्चे बड़े अच्छे उड़ाए। मैंने नाना जी से पूछा, मैंने कहा ये क्या मसला है, उन्होंने कहा कि ये उस दिन, फिर उन्होंने मुझे अपने घर से वैशी मादा, जोंसरी मादा पकड़ के उन्होंने मुझे दो तरह के कबूतर दिखाए, उनके पास लाखे भी थे। तो उन्होंने अपना दिखाया कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो एक कबूतर को यूं ही नहीं, चार चार पाँच पाँच साल वो फारग छोड़ देते थे, जब तक वो मादा नहीं उसके मियार की मिलती थी उसको नहीं लगाते थे। अब चूंकि कबूतरों की ब्रीडिंग बहुत आम है, कबूतर बड़े आम मिल जाते हैं, तो लोग जल्दी करते हैं लगाने में, लेकिन बेशक जल्दी करें, आपको मतलूबा मादा मिल भी जाए, कोई पैसों से खरीद लेते हैं, ठीक है, कोई ताल्लुकात से ले लेते हैं, आपको अगर मतलूबा मादा मिल भी जाए तो फिर भी नर के मेयार के मुताबिक ज़रूर देखा करें। और आखिर में एक बात ये मैं कहूँगा कि अगर आपने पीतल को, अगर आपने, मेरे ताया जी ये मिसाल देते हैं, वो कहते हैं कि पुत्र, अगर पीतल नू सोने न ला के तो तुसी सोना बनाना चाह रहे हो, तो फिर कोशिश करो कि पीतल की जगह पर भी सोना ही लभ लवो, आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये उनके समझाने का एक अंदाज़ है। तो इस पर मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि अगर ऐसा कोई कबूतर जो सोने जैसी मादा मांगता हो, तो कोशिश करें कि उस कबूतर को फिर उस मादा के लिए फिर सोने जैसा नारी ढूंढ लें। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफा करेगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अजबर कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ व्हाट्सएप पे कोई कबूतर दिखा के मुझसे ये ना पूछिएगा इस बारे में कि हबीब भाई ये प्रेल है या मसेल है, आपने खुद प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, और जब आप हाथ में पकड़ेंगे आपको खुद से पता चलेगा। तो अगली जो वीडियो है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।